मंडल न्यूज के सभी दर्शकों को आगामी वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9 विभागीय मंडलों के जरिए ली जाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। इसके मुताबिक कक्षा 12वीं की लिखित परीक्षा 21 फरवरी से 21 मार्च 2023 तक ली जाएगी, वहीं कक्षा 10वीं की लिखित परीक्षा 2 से 25 मार्च 2023 तक होगी। विस्तृत टाइम टेबल मंडल के मुख्यालय से 30 दिसंबर को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्तमान में जो टाइम टेबल उपलब्ध कराया गया है यह केवल जानकारी के लिए है। परीक्षा से पहले माध्यमिक शाला व उच्च माध्यमिक शाला सहित कनिष्ठ महाविद्यालयों के पास अंकित स्वरूप में दिया जाने वाला टाइम टेबल ही अंतिम रहेगा। वर्ष 2022 की विदाई व वर्ष 2023 के स्वागत के लिए आज 31 की रात शहर में जगह जगह नववर्ष के आगमन का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन कुछ लोग जश्न के नाम पर हुल्लड़बाजी करते हुए हंगामा मचाते हैं और शराब पार्टी मनाने के बाद नशे में धुत होकर रास्ते पर तेजी के साथ वाहन चलाते हुए वाहनों के साथ स्टंटबाजी भी करते हैं। ऐसे तमाम लोगों पर अंकुश लगाने के साथ ही शहर में किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात न हो, इसके लिए शहर पुलिस ने पहले से ही कमर कसते हुए पूरी तैयारी कर ली है, जिसके तहत शहर में 800 से अधिक पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात करने के साथ ही फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगाई गई है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर नाकाबंदी करने के साथ ही सभी वाहन चालकों की तलाशी ली जाएगी ताकि शहर में शांतिपूर्ण तरीके से नए वर्ष के आगमन का जश्न मनाया जा सके। महाराष्ट्र विधान परिषद की अमरावती विभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की एक सीट के लिए चुनावी कार्यक्रम शुक्रवार 30 दिसंबर को चुनाव आयोग द्वारा घोषित किया गया। इस घोषणा के साथ ही चुनावी नतीजा घोषित होने तक संभाग में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार 5 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, 12 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, 16 जनवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, 30 जनवरी को सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद 2 फरवरी को मतगणना करते हुए मतदान के नतीजे घोषित किए जाएंगे। अम्बेडकर पुतला सौंदर्यीकरण समिति द्वारा आज यहां पर एक पत्रकार परिषद बुलाते हुए कहा गया कि जिले की सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र का मामला अदालत के सामने विचाराधीन है, ऐसे में उन्हें अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। अतः सांसद नवनीत राणा द्वारा घोषित की गई 50 लाख रुपए के फंड को इरविन चौक के अम्बेडकर प्रतिमा परिसर के सौंदर्यीकरण हेतु इस्तेमाल नहीं करने का अनुरोध गत रोज निगमायुक्त और जिलाधीश को निवेदन सौंपकर किया गया है। इस समय दुनिया के कई देशों में कोविड संक्रमण के मामले अचानक बढ़ गए हैं और देश में भी नए वेरिएंट के कुछ मरीज पाए गए हैं, जिसके मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कई प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी के मद्देनजर IMA की अमरावती शाखा ने शहर व जिला वासियों के लिए सलाह जारी करते हुए उन्हें कोविड के संभावित खतरे से बचने हेतु नियमों का पालन करते हुए सावधानियां बरतने का आह्वान किया है। IMA अमरावती के अध्यक्ष विक्रम राठी व सचिव विक्रम देशमुख ने बताया कि विगत 24 घंटे के दौरान देश में 163 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से कुछ मरीजों में नए चाइना वेरिएंट के लक्षण भी देखे गए। सभी लोगों द्वारा सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। कोविड संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन पर सावधानी के तौर पर अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों की RT-PCR व रैपिड एंटीजन कोविड टेस्ट की जा रही है। महानगर क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है। शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्जर के नेतृत्व में अंग्रेजी नववर्ष की पूर्व संध्या पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत के जन्मदिन का औचित्य साधते हुए शहर में स्थित सभी महापुरुषों के पुतलों की स्वच्छता और साफ सफाई करते हुए उनका अभिवादन किया गया। इस समय बड़ी संख्या में शिव सैनिक उपस्थित थे। कल रविवार 1 जनवरी को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 16 संचालक पदों हेतु पंचवार्षिक चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। इस हेतु जिला उपनिबंधक कार्यालय द्वारा अपनी सभी तैयारियों को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया है। राज्य में इस समय कोंकण संभाग को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में काफी हद तक ठंड महसूस हो रही है, लेकिन अमूमन दिसंबर माह के अंत में रहने वाली ठंडी नदारद है, क्योंकि इस समय न्यूनतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री अधिक है, लेकिन जनवरी माह के प्रारंभ से ठंड का प्रमाण बढ़ने का अनुमान है। उपरोक्त जानकारी देते हुए मौसम विज्ञानी अनिल बंडल ने बताया कि इस दौरान यद्यपि कड़ाके की ठंड महसूस नहीं होगी, लेकिन फिलहाल की तुलना में पारा नीचे लुढ़क कर मौसम थोड़ा सर्द जरूर हो सकता है। जनजागृति क्रिकेट बहुउद्देशीय संस्था द्वारा इंडिया 11 क्रिकेट क्लब के सहयोग से टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ अमरावती जिला अंतर्गत बडनेरा रोड स्थित दशहरा मैदान पर आयोजित JPL टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज दोपहर शुरू हुआ, जिसमें सेमीफाइनल जीतने वाली अमरावती की गोल्डन 11 और तौहीद 11 क्रिकेट टीमों के बीच रोमांचक मैच की शुरुआत हुई। इस मैच में तौहीद 11 ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 8 ओवर में 82 रन जुटाए, जिसके बाद जीत के लिए 83 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हेतु गोल्डन 11 की टीम मैदान पर उतरी और गोल्डन 11
की टीम ने इस लक्ष्य को पूरा करते हुए शानदार जीत हासिल की। सभी भाई मेरे दोस्तों, छोटे बड़े सभी भाइयों से विनती करता हूं कि ये मैच फाइनल अच्छी राजू खुशी से शांति से देखे उसका बेनिफिट लिए। ये वही बोलो सब समाज का तो मेरे जय हिंद जय महाराष्ट्र। इस आयोजन के लिए पूर्व जिला पालकमंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने अपनी निधि से पुरस्कार वितरण हेतु 10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई थी, जिसके लिए शहर सहित जिले के इतिहास में पहली बार किसी खेल स्पर्धा के तहत 10 लाख रुपए के पुरस्कार घोषित किए गए। इन सभी पुरस्कारों का फाइनल मुकाबले के बाद आज शाम रंगारंग समारोह में वितरण किया गया। इस अवसर पर स्पर्धा के मुख्य आयोजक व पूर्व पार्षद रतन पहलवान डेडुले भी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। विदर्भ बहुद्देशीय किन्नर संस्था की मेजबानी में अंबानगरी में पहली बार होने जा रहे किन्नरों के राष्ट्रीय मंगलामुखी सम्मेलन हेतु विभिन्न नगरों, गांवों व शहरों से किन्नरों का अमरावती आगमन प्रारंभ हो गया है। आज से धर्मदाय कॉटन फंड के प्रांगण में भव्य डोम पंडाल का आच्छादन रहने के साथ ही खान पान के व्यापक प्रबंध भी करीब करीब पूरे हो गए। गुरु और शिष्य के बीच क्या रिश्ता होता है, यह बताने वाला एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अपनी एक शिक्षिका का तबादला होने की जानकारी मिलते ही स्कूल की छात्राएं जोर जोर से रोती दिखाई दे रही हैं। साथ ही अपनी शिक्षिका से कह रही है कि आप हमें छोड़कर कहीं मत जाओ, हमें आप जैसी टीचर नहीं मिलेगी। इसके साथ ही इन छात्राओं ने अपने अभिभावकों के साथ उपजिलाधीश से भी भेंट की और अपनी टीचर का तबादला रद्द किए जाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो अमरावती जिले के अचलपुर स्थित नगर परिषद उर्दू प्राथमिक शाला का है, जहाँ की मुख्याध्यापिका व शिक्षिका रक्षंदा नाहिद का शिक्षा विभाग द्वारा तबादला कर दिया गया था। शहर के बालाजी प्लॉट स्थित संत सीताराम बाबा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। विविध प्रसंगों का वर्णन करते हुए गुरुवार को भक्तों ने कृष्ण व सुदामा की कथा सुनी। शुक्रवार को पूर्णाहुति के साथ इस कथा का समापन हुआ। रैली प्लॉट स्थित गोवर्धन नाथ हवेली में सत्संग मंडल की ओर से 31 दिसंबर तक तनु विचजा सेवा प्रकार वचनामृत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय पूज्य गोस्वामी 108 श्री अजय कुमार महाराज के आत्मा पूज्य गोस्वामी 108 विशाल कुमार ने कर्तव्य व अधिकार का स्पष्टीकरण दिया। परतवाड़ा के गणेश नगर स्थित निरंकारी भवन में ज्ञान प्रचारक दिल्ली से आए महात्मा प्रद्युम्न जी ने सत्संग के माध्यम से सभी उपस्थित निरंकारी भक्तों का मार्गदर्शन किया। सत्संग में सैकड़ों निरंकारी भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। लोकशाही अन्नाभाव साठे दलित बस्ती सुधार योजना की निधि मातंग समाज के विकास पर खर्च की जाए, ऐसी मांग लेकर नांदगांव खंडेश्वर के मातंग समाज के कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना पार्टी द्वारा महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में मशाल जनसंवाद दौरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सुदिनी प्रभाग स्थित जय माता दी मंगल कार्यालय में आयोजित सम्मेलन को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। कोली महादेव समाज को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दिलाने के लिए सांसद नवनीत राणा के स्वीय सहायक उमेश ढोने काफी दिनों से प्रयासरत थे। विधायक रवि राणा ने इस बारे में विधानसभा स्थित सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूरी मिली। शहर पुलिस विभाग में कार्यरत 7 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी आज समयावधि के अनुसार सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर पुलिस आयुक्तालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने सभी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को शॉल श्रीफल व पुष्पगुच्छ सहित सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र देकर उनका सत्कार किया और उन्हें विदाई दी। शहर पुलिस के नए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अपना पदभार संभालते ही शहर के सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले 20-20 संगीन अपराधियों की सूची बनाने का निर्देश दिया था, जिसके चलते सभी पुलिस थानों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र के अपराधियों की सूची तैयार की गई और कुल 191 हिस्ट्री शीटर अपराधियों की सूची शहर पुलिस आयुक्त रेड्डी के सामने पेश की गई। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बादल मनोहर नामक युवक ने 22 वर्षीय युवती को विवाह का झांसा दिया और उसका शारीरिक शोषण भी किया। इस मामले को लेकर फ्रेजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बादल के खिलाफ विश्वासघात, अपहरण व बलात्कार संबंधी धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जैसे बचत समूह से जरूरतमंद महिलाओं को लोन दिलाकर खुद की बच्ची को ब्रेन ट्यूमर होने का बहाना बताकर कई महिलाओं को चूना लगाते हुए फरार हो जाने वाली मोरबाग में रहने वाले पूजा व श्रीकांत सुरकार दंपति अपने परिवार के साथ फरार हो गए, जिसके बाद सभी पीड़ित महिलाओं ने कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग लड़की के साथ एक युवक ने जहरीली दवा गटक ली, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उस युवक के भाई समेत 5 से 6 लोगों ने युवती के घर में घुसकर चाकू का डर बताते हुए अश्लील हरकतें की। इस मामले में गाड़गे नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। मोटरसाइकिल से अमड़ापुर से वरुण की ओर लौटते समय मोटरसाइकिल खड़े ट्रैक्टर से जा भिड़ी। हादसे में नंदकिशोर साबले नामक युवक की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा कल शुक्रवार की रात 8 बजे वरुण से राजूरा मार्ग पर घटित हुआ। नांदगांवपेट पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एक युवती ने जाकर शिकायत दर्ज कराई कि एक युवक के साथ उसका विवाह तय हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद युवक ने युवती को फोन करते हुए कहा कि विवाह करने के 2 माह बाद वह तलाक दे देगा। पश्चात वधु पक्ष के लोगों ने इस रिश्ते को तोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद वह युवक उस युवती को बार बार परेशान कर रहा था। नांदगांवपेट पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है।
खोला ब्रिगेड पुलिस थाना क्षेत्र के माढ़ा कॉलोनी में रहने वाली पूजा शिराव नामक महिला ने बहू के साथ विवाद किया और इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के पश्चात इसकी शिकायत खोला ब्रिगेड पुलिस थाने को दी गई। शालेय विद्यार्थियों और यात्रियों को लेकर जाने वाली एसटी महामंडल बस चालक को पीटने के मामले में धामनगर रेलवे शहर के एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। वहीं इस बीच चांदू रेलवे डिपो के एसटी कर्मचारियों ने संगठित होकर आंदोलन शुरू किया, पश्चात दत्तापुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के यास्मीन नगर पैरामाउंट कॉलोनी में कल रात अज्ञात चोरों ने मोहम्मद आसिफ के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अलमारी से सोने के गहने व नगद राशि सहित 155,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। इसकी शिकायत पर नागपुर गेट पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की। आष्टी सहित तहसील के छोटी आरवी परिसर में शिकार की तलाश में आए तेंदुए की खेत के कुएं में गिरकर मौत हो गई। यह घटना 3 दिन पहले घटित हुई होगी, ऐसा अनुमान वन विभाग द्वारा व्यक्त किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।